सिलकेरा टनल के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। मैं अभी आपको ताजा तस्वीर अगर दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि टनल के अंदर जो काम है वो चल रहा है। यहां पर फिलहाल वेल्डिंग का काम जो है वो दिख रहा है, वेल्डिंग यानी कि दो पाइपों को जोड़ने का जो काम है वो दिख रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि बीच बीच में जो चिंगारियां दिख रही है उनसे पाइपों को जोड़ा जा रहा है। ऑगर मशीन भी यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहां पर आज चेंज किया गया है, पहले 900 डायामीटर का जो पाइप था वो डाला गया था जो कि 22 मीटर तक अंदर है। आज उस 900 डायामीटर के पाइप के अंदर 800 डायामीटर का जो पाइप है उसको इंसर्ट किया गया है, जो कि अभी तक 18 मीटर तक जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑगर मशीन भी वहां पर नजर आ रही है। बाहर आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी एक और मशीन यहां पर जो मलबा उठाने के लिए वो यहां पर तैयारी है। और अंदर तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मलबा भी यहां से जो टनल की ओपनिंग है वहां से महज 200 मीटर के अंदर जो है वो मलबा दिखना शुरू हो जाता है, तो वो भी वहां पर नजर आ रहा है। उसके सामने एक मशीन भी खड़ी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब फिलहाल जो चैलेंजेस हैं ये बताया जा रहा है कि अगले जो घंटे हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट है हर लिहाज से, क्योंकि अब 22 मीटर के बाद जब ये काम, जब ये 800 डायामीटर की जो पाइप है वो अंदर चली जाएगी उसके बाद असल चैलेंज शुरू होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 22 से लेकर 45 मीटर तक की दूरी सबसे मुश्किल होने वाली है। वो रास्ता जो है वो आने वाले, इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले घंटे जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपको हमने तस्वीरें यहाँ की दिखाई जहां पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मशीन जो है वो अंदर जा चुकी है और यहां पर लगातार वेल्डिंग का जो काम है वो लगातार जारी है। और ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ऑगरिंग ठीक से होती रही, मशीन काम करते रहे, तो 30 घंटों के अंदर अंदर कोई खुशखबरी जो है वो सुनने को मिल सकती है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल यही नहीं बल्कि जो अन्य मोर्चे हैं उनमें से टनल का जो आखिरी कॉर्नर है यानी कि बड़कोट वाला जो कॉर्नर है वहां से भी आज काम शुरू हो गया है और 8 मीटर की खुदाई वहां पर भी हो चुकी है, यानी कि 5 मोर्चों पर तेजी से अब काम हो रहा है।